बिहार जिला सफर के तहत इस समय तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, पार्टी कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके सफर के दौरान तृणमूल के 32 नेताओं ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसे लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया है। दरअसल अपने ही दल के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए तृणमूल के नेताओं ने पदत्याग करते हुए दल से इस्तीफा दिया है। ये घटना तूफानगंज एक नंबर ब्लॉक अंतर्गत धलपल एक नंबर ग्राम पंचायत की है। जानकारी के अनुसार दल के खिलाफ पुराने कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया जा रहा है, ये आरोप लगाते हुए तृणमूल के 32 नेताओं ने इस्तीफा दिया है। इनमें बूथ अध्यक्ष, अंचल महासचिव एवं ब्लॉक कमेटी के सदस्य शामिल है। इस विषय में तृणमूल बूथ अध्यक्ष उमेश चंद्र मांता ने कहा कि इस्तीफा से अंचल कमेटी को ये है, ठीक है, মানে যে কোনো কাজে হোক আর যে কোনো ইয়ে আছে কোনো গুরুত্ব হয় না, ঠিক আছে, ওইরকমই আর কি। সভাপতি সভাপতি ওরা ওরা দুই চারজন কী করে না করে আমি কিছু বুঝতে পারি না, এই জন্য আর কি। আছে আরও দুই চারজন আসছে, খুব তো অ্যাকচুয়ালি আমার আগে ছিল অন্তর প্রেসিডেন্টের উপর, ঠিক আছে, এখন তো প্রেসিডেন্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে, তবু আমাকে ডাকে না আর কি, কথা আমাকে ডাকে না বুথ প্রেসিডেন্ট। वहीं दूसरी तरफ धलपल एक नंबर तृणमूल अंचल अध्यक्ष परिमल दास ने बताया कि इस विषय हमारे अखनो पर्यंत किसी जाना नहीं, ये अखन पदते करे से हमार दलीय जरा नेतृत्व रही से पदाधिकारी हमार जाना मते तारा तो अखनो केउ पदत्याग करेनी, हमार जाना नहीं, खोज निये तारपरे बोलबो। इस बीच भाजपा मंडल अध्यक्ष जुगल किशोर दास ने तृणमूल पर जमकर निशाना साधा है। तृणमूल के 32 नेताओं द्वारा एक साथ इस्तीफा देने के विषय में उन्होंने कहा कि तृणमूल दल एम ही मैंने दुर्नीति जर्जरित इन्हें मानुष थकते पर अने के दम बंद हो आसे तो आज के 32 जन क्या दलबले तृणमूल निर्मूल हो जाए कारण मैं शिक्षा क्षेत्र के शुरू कर समस्त दुर्नीतर मूल्य आज तृणमूल आज के देखे धलपल अंचले उन्नयन तो किचु है तर मध्य भागबाटरा नहीं कैसाल डेली गोष्ठीद्वंद चलते তো আগামীকাল ওনাদের যুবরাজ আসছেন তুফানগঞ্জে, কোচবিহারে ঢুকে গেছে, তো তার আগেই এটা খুব মানে ভালো দিক, কারণ আমরা জানি ধলপলের মানুষ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের সাথে নেই, তো তারা সন্ত্রাস এবং পুলিশ দিয়েই বিভিন্ন জায়গায় এটা করে যাচ্ছে, তাই মানুষ সাধারণ মানুষ তাদের পাশে নাই বুঝে তারা দল পরিত্যাগ করছে। আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি যে আগামী দিনে তারা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি অনেকেই যোগাযোগ করছে, খুব শীঘ্রই এই দলটা মানে তাসের ঘরের মতো করে ভেঙে পড়ে যাবে।